हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केसी मोटो वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बर्गमैन स्ट्रीट के लिए, जो कि हमने वॉक अराउंड आपको रिव्यू दिया था गाड़ी का। आई होप आपको वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वो वाला वीडियो देख के आए हो तो ये वाला वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो हम लोग गाड़ी का राइड रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। कुछ इस तरह का आपको गाड़ी का लुक देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं, एक बार चला के देखते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह आपको गाड़ी फील होने वाली है। आप जब बैठोगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने के लिए मिलेगा। काफी प्यारा सा आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। सुजुकी का आपको यहाँ पे लोगो देखने के मिलेगा। तो ये इसका किल स्विच, यहीं से आपकी गाड़ी हो जाएगी चालू। तो मिरर की क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी है, पीछे का आराम से देख सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं एक बार इसकी पावर, इसमें क्या क्या हमें देखने के मिलती है। यार इनिशियल थोड़ा सा कम लग रहा है, हो सकता है कि अभी मैं थोड़ा चढ़ाई पे हूँ इसलिए मुझे कम लग रहा हो। एक बार हम फ्लैट रोड पे चलते हुए एक बार देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका सस्पेंशन का टेस्ट आराम से हो जाएगा, क्योंकि रोड थोड़ा सही नहीं है। तो काफ़ी मतलब इतना हार्ड स्टिफ नहीं कहूँगा मैं सस्पेंशन को। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक दिया गया है, तो आपको चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको हल्का हल्के इम्पैक्ट पता चलेंगे, लेकिन आपको कोई भी हैवी इम्पैक्ट नहीं लगने वाला है। तो राइडिंग एक्सपीरियंस इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है आपको, बिल्कुल भी जब आप इसको ड्राइव करोगे आपको दचके लगेंगे, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। तो अभी ख़राब रोड हमने छोड़ दिया, अब चलते हैं अच्छे रोड पर और एक बार करते हैं इसकी एक्सीलरेशन टेस्ट। ठीक है, इतना एकदम से इनिशियल नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक है। एक बार थोड़ा स्पीड में आ जाती है, उसके बाद बढ़िया चलती है, पावर में आ जाती है। इतना कोई मतलब रेसिंग तो ये है नहीं, सीधी सी बात है। आपको सिटी राइड के लिए आपको ये लेनी है गाड़ी, तो मेनली आप देखो जाओगे कि आपको कम्फर्टेबल प्रोवाइड करवा रही है गाड़ी राइडिंग करते टाइम कि नहीं, तो वो चीज़ मैंने। बाकी रेसिंग के लिए तो अलग गाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो बात करते हैं इंजन की। तो इंजन आपको इसके अंदर 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है, जो कि आपको 8.6 पीएस की पावर प्रोवाइड करवाता है, और 10 न्यूटन मीटर का आपको इसके अंदर टॉर्क देखने को मिलेगा। तो इंजन भी इतना हाई एंड इंजन नहीं है, लेकिन पावर ठीक ठाक है। 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर देखने के लिए आपको मिल रही है। इनिशियल भी गाड़ी का ठीक है। अभी हो सकता है कि अपन थोड़े दिन से काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड बाइक चला रहे हैं, तो मुझे कम लग रहा है। बाकी अगर आप नॉर्मली राइड के लिए ले रहे हो तो आपको इनिशियल में कोई दिक्कत नहीं लगेगी देखने में। तो एक बार चेक करते हैं इसका ब्रेक किस तरह के हमें देखने के लिए मिलेंगे। भाई साहब, ब्रेक का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कॉम्बी ब्रेक के हिसाब से। फ्रंट में आपको कोई एबीएस नहीं मिलता है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के मिल रहा है, फ्रंट में आपको डिस्क प्लेट मिल रही है। लेकिन जो ब्रेकिंग का इसका परफॉर्मेंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी इनिशियल ब्रेकिंग करती है, अभी तो मीटर इसका बंद है क्योंकि नई गाड़ी है, सीधी सी बात है। तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से 60 की स्पीड पर ब्रेकिंग करी होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कम डिस्टेंस में रुक गई है। बात करें कंफर्ट की, राइडिंग कंफर्ट की, तो राइडिंग कंफर्ट की आप पूछो मत। आप आराम से थोड़ा पीछे होके बैठ के यहाँ पे अपने पैर आराम से आप जमा लोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी लंबा चले जाओ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि लेग रूम की बात अगर करो तो लेग रूम तो इसके अंदर भर भर के दिया है। आप बिल्कुल गाड़ी पर लिटरली आप गाड़ी पर लेट सकते हो चलाते चलाते, क्योंकि ये जो चीज़ है पैर रखने का आपको स्पेस यहाँ पे इतना आगे दिया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका बिल्डअप कर देता है। तो काफ़ी अच्छा सा लुक आता है, चलने में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। गाड़ी का जो वेट है आपको 111 केजी मिलने वाला है, लेकिन जब आप राइड करोगे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि काफ़ी लाइट है। अगर बात करें मैन्यूवर वगैरह करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बहुत आराम से इसको चला सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होती है। और जो हैंडल बार है वो अलग से दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में। आप आराम से इसको आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छी राइड वाली गाड़ी में बोलूँगा इसको। अगर बात करें गाड़ी के प्राइस की, तो प्राइस आपको इसका पड़ने वाला है 96,000 से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 116,000 इसका टॉप एंड वेरियंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बढ़िया है यार, अगर आप 125 सीसी की इतनी भारी भरकम गाड़ी देखना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल स्पेंड कर सकते हो। बात करें कंसोल की, तो आपको यहाँ पे TFT कंसोल देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपको स्पीड वगैरह शो करता है, ट्रिप दिखाता है, रियल टाइम माइलेज प्रोवाइड करवाता है, टाइम दिखाता है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और काफ़ी सारे कम भी बोलूँगा क्योंकि बेसिक से फीचर्स हैं, लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इंजन चेक लाइट मिल जाएगी, हजार्ड लाइट मिल जाएगी आपको, बाकी हॉर्न वगैरह आपको
काफी पतली सी आवाज आपको देखने के लिए मिलेगी, इतनी बड़ी सी गाड़ी दी हो, थोड़ी सी पतली सी आवाज है, ठीक है। सिटिंग कंफर्ट अच्छा है, चलने में बहक नहीं रही है बिल्कुल गाड़ी। बात करें माइलेज की, तो माइलेज आपको जो मिलने वाला वो है 48 का कंपनी क्लेम करती है, तो 45 to 50 आपको इसके अंदर माइलेज प्रोवाइड हो जाएगा। राइडिंग कंफर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, सिटी में भी अगर हम चलाते हैं तो आप बिल्कुल आराम से इसको चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कटिंग वगैरह आप जब करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको बर्गमैन परचेस करना है या आपको सुजुकी की जिक्सर वगैरह कोई भी गाड़ी परचेस करना है तो आप सुजुकी या सुजुकी से आप परचेस कर सकते हो, जो आपको DIG बंगले पे लोकेटेड है भोपाल में, वहां जाके आप मेरा रेफरेंस दोगे चैनल का तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो एक बार शोरूम ज़रूर विजिट करें। एक बार इसका टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेते हैं, गाड़ी को करता हूँ बिल्कुल सीधा खड़ा, तो अभी सीधी है, अब देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस आपको कितना देखने के लिए मिलता है। भाई साहब काफ़ी कम जगह, काफ़ी कम जगह, मुझे नहीं लगता ये 10 फुट से ज़्यादा एरिया लिया होगा, तो 10 फुट से कम ही लिया होगा, पूरी गाड़ी आपके घूम गई है, तो काफ़ी अच्छी है यार। अगर आप सिटी राइड के लिए ले रहे हो, आपको थोड़ा ट्रैवलिंग का काम है आपका, मतलब लोकल में आप घूमना चाह रहे हो, आपको मार्केटिंग वगैरह के पर्पज़ से गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हो, या आपको एक लुक वाइज चाहिए मोपेड, आपको अच्छी लुक वाइज चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, इस प्राइस में काफ़ी अच्छी गाड़ी आपके लिए है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इसका आप वॉक अराउंड रिव्यू देखना चाहते हो तो आप पीछे वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय हिंद।